लेकिन नहीं, इन वन वे, बिकॉज मैंने सुना है आप बुटीक भी कर रहे हो, जी जी आप बिल्कुल फिल्म्स भी कर रहे हो, आप कमर्शियल भी कर रहे हो और एक्टिंग भी कर रहे हो और फिर यू नो शाउट आउट्स भी दे रहे हो, तो ये एक बंदे के लिए बहुत ज़्यादा काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही, एक्चुअली ये सारी एक ही चीज़ से रेलिवेंट चीज़ है ना, कमर्शियल भी, शूट भी, शॉर्ट आउट भी, मूवी भी और वेब सीरीज तो भी। बुटीक क्या है? हाँ बुटीक ये है कि मैं चूंकि एक्सक्यूज भी मेरा लोगो है, तो हाँ। उसी के नाम से हम एक्सक्यूज भी मेंस कलेक्शन बना रहे हैं। कैसी होगी उसमें मैंने उस, हाँ वो पोस्ट करके दिखाएं तस्वीरें कैसी होगी? एक्सक्यूज मी आप एक्चुअली मैंने उसका आर्ट वर्क तैयार करवाया और वेबसाइट में करवा रहा हूँ, मेरे भाई होते हैं यूएसए में तो वहीं से मैं सारा करवा रहा हूँ। तो ये मुझे कुछ लोग इस चीज़ को क्रिंजी कंटेंट बोलते हैं और कुछ लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा दैट मैं, या आप बोलते हो दैट क्रिंजी कंटेंट है, वायरल हो रहा है तो ये आपका एक एम है, लेकिन आप बोलते हो, या एक कभी कभी ये होता है कि गलती से बना लेता है इंसान और वो चीज़ यू नो निकल पड़ती है और वो निकल कर इंसान के लिए रास्ता बना देती है, तो वो कौन सा कंटेंट था आपके लिए जिसने ये रास्ता बनाया? एक्चुअली जो इज्जत और वायरल है ये तो अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इज्जत अल्लाह पाक की ज़ात है उन्होंने, लेकिन मैंने किया बड़ा मुनफरिद अंदाज में, खुद से किया था कि ये चीज़ होनी चाहिए। ओके तो वो लोगों ने अट्रैक्ट किया, लोगों ने अपील किया, हाँ यार ये चीज़ मानने वाली है। आप देखें ना, आप जितने भी एड्स देखते हैं, मैंने स्टाइल स्टार्ट किया था कि जिंगल उस पर डांस और, अब आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख रहे सब वही बना रहे हैं एड्स। ओके तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने आपको देख कर बनाया है सुरेश जी, ये सारी चीज़ें आप नकल कर रहे हो, तो मुझे पता हर एड में आप क्यों हीरो होते हो? इसमें कभी विलन भी बन जाओ? हाँ बिल्कुल ठीक है आप, एक्चुअली क्लाइंट की जो है ना वो डिमांड होती है कि आप करें। okay. बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि बताएं कि किसी को चेंज करें, वो कहते हैं आप करेंगे तो देन हम करेंगे। ओके दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो ये कैसे शुरू किया ये सफ़र? ये सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि मेरे बड़े भाई फिल्म डायरेक्टर आसिफ शेख साहब, जो शान की लास्ट मूवी है इश्क दी गली, वो हमारी मूवी थी, तो मैं उन्हें असिस्ट करता था, तो साथ में मैं मेडिसिन का काम करता था स्टार्ट में। तो असिस्ट करते करते एक ऐसा प्रोजेक्ट आया कि हम ना इवेंट एक कैप्चर कर रहे थे, तो उसमें मैं जो फर्स्ट आया था मैं वो बट रेस्टोरेंट का था, उसके लिए ना मैं एक मॉडल ढूंढ रहा था, तो जिनका हम इवेंट कर रहे थे उनकी जो बेटी थी वो कहती कि वसीम खुद मॉडल लगता तो ये क्यों मॉडल ढूंढ रहा है। ओके तो उसने अपने पापा से कहा कि इसको को अगर तू खुद मॉडलिंग करेगा तो हम तुम्हें जो ना ये इवेंट देंगे, अदरवाइज नहीं। तो वो मजाक में एक ऐसी सीरियस बात हुई कि मुझे वो करना पड़ा। वो जब मैंने किया स्क्रीन पे, मुझे अपना चलना, काम करना, डायलॉग डिलीवरी, डांस अच्छा लगा, तो मैंने कंटिन्यू किया, फिर पब्लिक ने लाइक किया। और अगर मुझे खुद का स्क्रीन पे काम करना अच्छा नहीं लगता तो मैं कभी भी नहीं करता, क्योंकि ये ज़बरदस्ती वाला काम ही नहीं है। हाँ हाँ ये भी बात है, आवाम के ऊपर ही होता है ये काम। के ऊपर बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।